हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजिंग वीडियो। मैंने अराउंड 2 इयर्स अगो आपके साथ ड्रेसिंग टेबल की ऑर्गेनाइजिंग शेयर की थी एंड आप लोगों ने बहुत पसंद किया था उस ड्रेसिंग टेबल को। बट क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया तो बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 3 ड्रॉअर में इन चीजों को एडजस्ट कैसे करूं। एंड समहाउ मैंने सॉल्यूशन निकाला इस चीज का एंड इस ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज किया है इन ए वे कि जितना सारा मेकअप मेरे पास ऐड हुआ है सब उसी स्पेस में ऑर्गेनाइज बहुत ब्यूटीफुली हो गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। So this is how my dressing table looks like. It has a long mirror as you can see here and side में strip lights लगाई हुई है जिसपे cover place किया हुआ है। बहुत beautiful लगती है and दोनों side से equally light देती है and makeup करने के time ये बहुत convenient रहता है। यहाँ आप टेबल टॉप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ब्रश होल्डर प्लेस किया है जिसमें फेस ब्रशेस, आई शेडो ब्रशेस एंड मेकअप स्पॉन्ज भी रखा हुआ है। ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक ट्रे प्लेस करी है विच इज़ ऑल्सो एक्रिलिक ट्रे। यहाँ पर मैंने डेली एसेंशियल्स रखे हैं लाइक सनस्क्रीन क्रीम, सनस्क्रीन लोशन, सम सिंदूर, काजल, एक ब्लश, आईब्रो रेजर, सम लिप बाम, सम लिपस्टिक्स जो डेली वेयर में मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पीछे आप देखोगे तो मैंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वास रखा है जिसमें मैंने कार्नेशंस प्लेस किए हुए हैं विच लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ मैंने कलरफुल कार्नेशन प्लेस किए हैं एंड हियर इज माय ड्रेसिंग टेबल टॉप। ड्रॉअर ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखोगे आप बहुत सारा मेकअप है। आई नो लास्ट 2 इयर्स में मैंने बहुत सारा मेकअप शॉप किया है एंड यहाँ पे आप देखोगे सारे सीरम्स वगैरह प्लेस किए हुए हैं एंड हाइलुरोनिक एसिड क्रीम्स विच आई यूज़ कभी कभी एंड यहाँ पर प्राइमर्स प्लेस किए हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के प्राइमर्स हैं। मैं कोशिश करूँगी कि लिंक्स दे दूँ आपको नीचे। ये मेरे सारे फाउंडेशंस हैं, आई थिंक अराउंड 10 फाउंडेशंस हैं मेरे पास फॉर माई स्किन कलर। साइड में मैंने एक परफ्यूम रखी हुई है मेरी फेवरेट एंड यहाँ पर कंसीलर्स है। कंसीलर्स के साथ मैंने कलर करेक्टर भी प्लेस किया है। यहाँ है फेस पाउडर एंड लूज पाउडर्स। मैक का फेस पाउडर मैं बहुत ऑफन यूज़ करती हूँ। ये है मैक की आई शेडो एंड ये है हुडा ब्यूटी की आई शेडो विच आई एब्सोल्यूटली लव एंड ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ऑल्सो आई विल शो यू द कलर्स, सच अ ब्यूटिफुल शेड्स। ये बहुत पिगमेंटेड है, बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटिफुल लगते हैं। ये है मैक की छोटी सी आई शेडो पैलेट जो मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। सो जब से ये दोनों पैलेट यूज़ किया है बाकी के पैलेट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं एंड नीचे मेकअप रेवोल्यूशन का भी एक पैलेट रखा हुआ है मैंने। एंड दिस इज हाउ माई ड्रॉअर लुक्स। एक्रेलिक ट्रेज यूज करी है मैंने जो मैंने डीमार्ट से परचेस करी है। तो आई माइट नॉट गिव यू द सेम ट्रे का लिंक बट आई विल फाइंड कि अमेजोन की अगर मुझे ऐसी एक्रेलिक ट्रेज मिलती है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ना ओपन कर लेते हैं सेकेंड ड्रॉअर एंड यहाँ पे रखा है भक्की का मेकअप। यहाँ आप देख सकते हो मैंने अगेन एक्रेलिक ट्रेज में ऑर्गेनाइज किया है बिकॉज छोटी ट्रे है तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ये है ब्लश ऑर्गेनाइजर जो मैंने रिसेंटली अमेजोन से परचेस किया था क्योंकि ये डब्बियाँ बार बार इधर उधर हो जाती हैं तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी हैंडी टू यूज़ ऑल्सो। ये ऑर्गेनाइजर मुझे काफ़ी कन्वीनियंट टू यूज़ लगा एंड यहाँ मैंने कुछ अपनी फेवरेट परफ्यूम्स रखी है मार्क्स एंड स्पेंसर एंड ज़ारा की। यहाँ हाइलाइटर प्लेस किया है मैक का, इट्स अ पैक बेक्ड हाइलाइटर, शुगर कॉस्मेटिक्स का, मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर एंड वेट एंड वाइल्ड का। गाइस मैंने टॉप 5 की वीडियोस बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ये है एनेस्थासिया बेवरली हिल्स का लिक्विड ग्लो हाइलाइटर। यहाँ पर मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रेज रखी है जो बहुत सारी है बिकॉज आई लव यूजिंग मेकअप सेटिंग स्प्रे। यहाँ मैंने रखे हैं कुछ काजल, आईलाइनर, मस्कारा एंड आईलैश कर्लर एंड ए शार्पनर। ऑल्सो यहाँ पर मैंने कुछ प्लेस की है लिपस्टिक्स जो मेरी अल्टीमेट फेवरेट है लाइक हुडा ब्यूटी की बुलेट लिपस्टिक एंड सम मैक के लिपस्टिक्स, ऑल्सो सम शुगर कॉस्मेटिक्स के लिपस्टिक। गाइज अमेजोन पे चल रही है समर सेल तो यू कैन ग्रैब द ऑफर एंड परचेज ऑल योर एसेंशियल्स। सेकेंड एंड थर्ड को चलेगा काउंटडाउन ऑफर एंड फोर्थ से सेल बिगिन होगी। सो जो भी आपको परचेस करना है आप वहाँ से परचेस कर सकते हो एंड दिस इज हाउ द ड्रॉअर लुक्स लाइक। ऑल्सो आप ओपन कर लेते हैं थर्ड ड्रॉअर। थर्ड ड्रॉअर में मैंने बेसिकली सारी अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज की है। आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन तो आपको मेरे पास सिल्वर ज्वेलरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। मैं सिर्फ साड़ी वगैरह के साथ ज्वेलरी पहनती हूँ
तो ये है मेरा एक कड़ा बॉक्स जिसमें मैंने सारे कड़ा प्लेस किए हुए हैं. एज यू कैन सी दीज आर ऑर्गेनाइज्ड. एंड इस कड़ा बॉक्स में मैंने सम कड़ा चूड़ी सम कड़ा सेट वगैरह प्लेस किया है. यहाँ इस रेड पाउच में मैंने सारे अपने सेट प्लेस किए हैं जो मैं साड़ी के साथ जनरली पहनती हूँ. साइड में मैंने प्लेस किए हैं सारे लॉन्ग ईयरिंग्स. ये है एक कड़ा जो बॉक्स में नहीं आया, ये भी मैंने रिसेंटली परचेस किया था. इट लुक्स ब्यूटिफुल. ऑल्सो यहाँ पर मैंने दो बॉल्स यूज़ करे हैं जो फ्रेशनर्स के लिए आते हैं, माउथ फ्रेशनर्स के लिए, तो वो यूज़ नहीं हो रहे थे तो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया अपनी हेयर क्लिप्स प्लेस करने के लिए. ये हेयर क्लिप्स मैंने अमेजोन एंड H&M से ली है. मैं कोशिश करूँगी आपको लिंक दे दूँ. दीज आर ऑल ट्रेंडिंग एंड लेटेस्ट फैशन. आई कम्प्लीटली लव देम. मेरे पास थोड़ा सा कलेक्शन है हेयर क्लिप्स का विच आई लव. यहाँ पर मैंने कुछ हेयर क्लिप्स, कुछ टिक टैक क्लिप्स एंड कुछ सेफ्टी पिंस रखी है. ये बॉल काफ़ी बिग माउथेड है तो बहुत इजी हो जाता है इन चीज़ों को निकालना एंड यूज़ करना. यहाँ कुछ ईयरिंग्स रखे हैं मैंने जो पॉली में पैक है, एक पर्ल सेट है, कुछ साड़ी पिंस रखी हुई है इस टाइप के कंटेनर्स में जो प्लास्टिक के चूड़ी वगैरह के साथ आते हैं. नीचे एक कड़ा प्लेस किया हुआ है एंड यू कैन सी ये है बो, ये भी आजकल चल रहा है. एंड ये क्रिसमस की मैंने कैप खरीदी थी काइंड ऑफ, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट. ऑल्सो मेरे पास ये कान्हा जी का छोटा सा कीचेन बहुत सालों से और मैंने यहीं प्लेस किया हुआ है. यहाँ पर मेरी डेली वेयर बिंदी रखी हुई है एंड दिस इज़ हाउ दिस ड्रॉर्स लुक. काफ़ी सिंपल ऑर्गेनाइजिंग है इस ड्रॉर की. चलिए मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ अपने ड्रॉर्स का. That is it about this video, guys. I hope आपको मेरी organizing video अच्छी लगी हो. अगर आपको ये video अच्छी लगी तो अपने friends, family के साथ जरूर share करें, especially makeup lovers के साथ. They will love it. Also, don't forget to subscribe to my channel. मिलती हूँ आपसे अपनी next video में another content के साथ. Thank you. Bye bye.